अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं रेशमी चिकन पराठा रोल। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 टीस्पून सफ़ेद तिल ली है और 8 काजू ले लिए हैं। इनको हम जार में डाल देंगे और इनका फाइन पाउडर बना लेना है पीस कर। पानी वगैरह नहीं डालेंगे, इसको सूखा पीसना है। ये देखिए पाउडर फॉर्म में मैंने इसको पीस लिया है। अब इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, 2 कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे, 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे और 3 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम ऐड कर देंगे इसमें। अब इसको ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए पेस्ट हमारा बनकर रेडी हो चुका है। इसको निकाल लेते हैं कटोरी में। अब हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। सबसे पहले 2 टेबल स्पून दही लेंगे। दही ज़्यादा पानी वाला नहीं होना चाहिए, मैंने हंग कट का यूज़ किया है। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून लाल मिर्चें, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे। हल्का सा इसको मिक्स करने के बाद अब इसमें जो हमने पेस्ट बनाया था वो पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए मसाले को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये 250 ग्राम्स चिकन लिया है, इसके छोटे छोटे क्यूब्स कट कर लिए हैं। ये हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो इसको चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको कवर करके आधा घंटा रेस्ट दे देना है। अब हम पराठे का डो गूंध लेंगे। 1.5 कप मैंने मैदा लिया है, 1 टीस्पून नमक डालेंगे। इसको मिक्स करने के बाद नमक को आटे में पानी का यूज़ करते हुए हम इसको गूंद लेंगे। सिंपल जैसे हम पराठे का आटा गूंदते हैं उसी तरह गूंदना है। ये देखिए पानी से गूंदने के बाद अब इसमें ऑयल डालेंगे और ऑयल से इसको अच्छी तरह से इसकी मालिश कर लेंगे। ना ज़्यादा सॉफ्ट हो ना ज़्यादा थिक हो, मीडियम डो गूंद कर रेडी करेंगे। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को ज़रूर दबाइए। बेल बटन को दबाने से ही आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी दिख पाएगी। तो आटा हमारा गूंदकर रेडी हो चुका है, अब हम फिलिंग बना लेते हैं। 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है, उसमें जो हमने रेशमी चिकन को मैरिनेट किया था वो हम डाल देंगे और इसको थोड़ा भून लेना है। मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे इसको। इस तरीके से इसको फैला देंगे और पकने देंगे। जब एक साइड से ये पक जाए तब दूसरी साइड इसको मिक्स कर देना है। ये देखिए चिकन हमारी बनके बिल्कुल रेडी है। फुल फ्लेम पर इसका पानी थोड़ा सा हम ड्राई कर लेंगे। अब इसमें अनियन ऐड कर देंगे। एक मीडियम साइज़ की अनियन को रफली चॉप कर लेना है, मोटा मोटा, और इसमें ऐड कर देना है। इसको सॉफ्ट वगैरह नहीं करना है ना ज़्यादा भूनना है, बस हल्का सा 1 मिनट के लिए मिक्स करेंगे और इसको हम उतार लेंगे चिकन को। और इसको पूरी तरह से हमें ठंडा कर लेना है। ये देखिए चिकन बनकर हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम डो ले लेते हैं और पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जितने साइज़ के पराठे चाहिए, छोटे या बड़े, उस हिसाब से आप इसके पोर्शन में पार्ट्स कट कर ले। अब एक पेड़ा उठा लेंगे, इसको मैदे में डस्ट करेंगे और इसको सिंपल रोल कर लेना है। तो पराठे को मैंने रोल कर लिया है। अब इस पर हम ऑयल डालेंगे और ऑयल डाल के स्प्रेड कर देंगे, अच्छी तरह फैला लेंगे और इस तरह से इसको राउंड फोल्ड कर देना है। हल्के हाथों से खींचते हुए इसको इस तरीके से गोल घुमाते हुए देखिए इस तरीके का पेड़ा बनाकर रेडी करना है। इस तरीके से जब हम पराठा बनाते हैं तो जाली वाला, लेयर वाला बनता है और अच्छा लगता है टेस्टी खाने में। अब इस पर मैदा डस्ट करेंगे और इसको हम रोल कर लेंगे गोल। तो
तो ये देखिए पराठा हमारा बेलकर रेडी है। तवे को अच्छी तरह गरम कर लेंगे, उस पर हम पराठे को डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पर हम पकाएंगे इसको अच्छा सा ब्राउन कलर आने तक। गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, दूसरी साइड पर पलटी कर देंगे, ऑयल लगा देंगे। ऑयल आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा लगा सकते हैं और इसको अच्छी तरह से सेक लेना है, कहीं से कच्चा ना रहे पराठा। तो ये देखिए बहुत ही मज़े का और टेस्टी सा पराठा बनकर रेडी हुआ है। इसको हम निकाल लेंगे और सारे पराठे इसी तरह से मैंने बना लिए हैं। अब हम रोल बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पराठे की पीछे वाली साइड को लेंगे हम, उस पर जो हमने रेशमी चिकन बनाई है उसकी फिलिंग को डाल देंगे। आप चाहें तो इस पर ग्रीन चटनी या फिर पुदीने की चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप स्पाइसी ज़्यादा पसंद करते हैं। ये मैंने मेयोनेज लिया है, इसको ड्रिजल कर देंगे इसके ऊपर। आप टोमेटो केचप डालेंगे इस पर। अगर आप ग्रीन चटनी डाल रहे हैं तो टोमेटो केचप मत डालिएगा। अब इसको फोल्ड कर लेना है। तो ये देखिए बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीके से हमारा रेशमी चिकन पराठा रोल बनके रेडी है। काफ़ी मज़े का और काफ़ी टेस्टी है खाने में। तो सेकंड वाला भी इसी तरह से हम बनाकर रेडी कर लेंगे। आपने देखा ये कितना आसान है इसको बनाना और कितना झटपट सा ये बनकर तैयार हुआ है। तो ये सेकेंड वाला भी हमारा बनकर रेडी है, सारे इसी तरह से बना लेना है। तो ये देखिए हमारा बहुत ही मज़े का रेशमी चिकन पराठा रोल बनकर रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।